आने जा रही हूँ। हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यू को जरूर फेस करते हैं। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर नौकरी का फर्स्ट दिन ज्वाइन करने जा रहे हो तो आप परेशान हो जाते हैं कि हम क्या पहन के जाए और क्या नहीं पहन के जाए ताकि हमारा अच्छा इम्प्रेशन बन सके। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हमारा जो पहला इम्प्रेशन बनता है उन पर वही हमारा लास्ट इम्प्रेशन रह जाता है। इसलिए आप इंटरव्यू में क्या पहन के नहीं जाए, क्या नहीं पहन के जाए ताकि आपका अच्छा इम्प्रेशन बने, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो आपको नेवी ब्लू कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि यह कलर शांति, स्थिरता, सच्चाई, विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यदि आप फीमेल हैं तो आप इस कलर की सलवार सूट या फिर साड़ी पहनकर जाएं। आपका मेकअप ज़्यादा डार्क ना हो, आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल सिंपल हो, कपड़े गंदे और फटे ना हो, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहने। और यदि आप मेल हैं तो आप भी नेवी ब्लू या ग्रे कलर का शर्ट पहनकर जा सकते हैं। जूते फटे ना हो और वो पॉलिश किए हो, शर्ट पर टाई जरूर लगाएं। यदि आपके पास ब्लेजर है तो वो भी पहनकर जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्माइल। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से वहां जाएं, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ उनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। और आप निगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। और हाँ, यदि आप इन सारे बातों को फॉलो करते हैं तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा जाएगा। थैंक यू।